الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں پانچ گناہوں کو ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ وہ پانچ گناہ ہیں جو کسی قوم میں پائے جائیں اور کسی ملک میں پائے جائیں تو اس کی تباہی یقینی ہے. اور وہ ہمارے ملک کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یعنی حد سے زیادہ وہ گناہ پائے جاتے ہیں. اس لیے روز بروز حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قطعی اور یقینی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں. جب تک وہ خود کو نہ بدلیں اللہ تعالیٰ ان کے حالات نہیں بدلیں گے. تو کچھ ایسی ہی صورتحال پائی جاتی ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان قوم کے یہ پانچ گناہ اور اس کے علاوہ سارے گناہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں. اور حرام و ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑنا واجب ہے، توبہ کرنا واجب ہے، ان سے بچنا فرض ہے. لیکن بس میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، بس آواز جو ہے وہ ہوا میں جا رہی ہے. جس قوم کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، جس قوم کے سامنے ان گناہوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، اس قوم میں ان گناہوں کو چھوڑنے والے نظر نہیں آ رہے، چھوڑنے والے نظر نہیں آ رہے. جب نہیں چھوڑیں گے تو پھر جو ہو رہا ہے اس سے زیادہ برا ہوگا، حالات بہتر نہیں ہوں گے، بدتر سے بدتر ہوں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا دل، دماغ، دھیان، توجہ دین کی باتوں کی طرف کریں اور سنیں، سمجھیں، اور سمجھ کر کے کوشش کریں کہ ہم اپنے حد تک
अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई उन गुनाहों में मुबतला है जो दीगर गुनाहों में मुबतला है तो उनसे तौबा कर ले, तौबा करके आइंदा बचने का एहतमाम कर ले। तो जो बचेगा वो ऐसा जैसे किश्ती नूह में बैठ गया, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफान आया तो जो लोग किश्ती में सवार थे वो सब तूफान में डूबने से बच गए और किश्ती पार लग गई। जूदी पहाड़ पर वो ठहर गई और जो किश्ती में बैठे हुए थे सब बच गए और जो बाहर थे वो डूब के मर गए। तो ये नहीं है कि अगर दूसरे नहीं बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो क्या फ़ायदा, नहीं, 100% फ़ायदा है, 100% उसमें फ़ायदा है। बस जो बचेगा वो ऐसा जैसे नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में बैठ करके बच गया, और जो नहीं बचेगा नहीं तौबा करेगा वो ऐसा जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर जो अजाब आया सैलाब की शक्ल में, पानी की शक्ल में, तो जो उसमें डूब गया वो मर गया। तो जो नहीं छोड़ेगा वो डूबेगा, वो मरेगा, और जो गुनाहों से तौबा कर लेगा और बचेगा वो ऐसा है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में बैठ गया, वो बच जाएगा। तो हम अपनी सलाह के लिए यहाँ पे जमा होते हैं और जो बातें करते हैं हमारे और आपका मकसद उससे अपनी सलाह है। अब ये है तो 5 गुना, लेकिन इनमें से एक गुनाह की दफ़ा मैं तफसीर और तशरीह कर दूँगा, बाकी गुनाह तो ऐसे हैं कि फिर अगला जुमा मेरे सफ़र का मुतवक्का है, इसके बाद फिर शाबान शुरू हो जाएगा, तो फिर शाबान के मुतालिक और रमज़ान के मुतालिक बयान इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा। तो बात यह है कि गुनाह से बचने के लिए बहुत लंबी तफसील करना कोई ज़रूरी नहीं है, बचने वाले के लिए मुख्तसर सा बयान भी काफ़ी है और न बचने के लिए घंटों का बयान भी बेकार है, इसलिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक गुनाह की ज़रा तफसीर मैं ज़्यादा बयान कर दूं, क्योंकि वो गुनाह भी दीगर गुनाहों की तरह ऐसा आम है कि हम जो इस वक्त यहाँ जितने हजरात मौजूद हैं इनमें से भी शायद कोई बचा हुआ हो ऐसा गुनाह हो, जबकि यहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं ये माशरे में दीनदार कहलाते हैं, नेक नमाजी कहलाते हैं, लेकिन इनकी दीनदारी भी कुर्ता टोपी तक है, इल्ला माशाल्लाह, इनकी दीनदारी भी बस मामूलात पूरे करने तक है। इनमें भी गुनाह से बचने वाले बहुत कम हैं, गुनाह से बचने वाले बहुत कम हैं। अभी जिस गुनाह की मैं तशरीह बयान करूँगा आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि वो तो मालूम होता हम भी उसके अंदर मुबतला हैं। जब मुबतला हैं तो इसीलिए हालात में कोई तब्दीली नहीं आती, हमारे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही, दूर कैसे हों, सांप बिच्छू तो हमने पाल रखे जो हर वक्त हमें डस रहे हैं। अरे भाई इन सांप बिच्छुओं को निकालो अपने घर से, अपने जिस्म से, यानी इन गुनाहों को निकालो, इनसे तौबा करो, इनसे बचो तो बेहतरी आ सकती है, नहीं तो कैसे आ जाएंगे। भाई जहाँ सांप होगा तो डसेगा नहीं डसेगा, जहाँ बिच्छू होगा वो डसेगा नहीं डसेगा। तो हमने ये गुनाह जो है सांप बिच्छू की तरह है, ये आग और अंगारे की तरह है, जब तक ये मौजूद हैं तो इनका काम जलाना है, तो हमने इनको इख्तियार कर रखा है, इसलिए हमारे अंदर बेचैनी है, बेकरारी है और बेसुकूनी है और परेशानियाँ हैं, ये सब हमारे इन गुनाहों का के असरात हैं। ये वो गुनाह इसराफ का गुनाह है जो बहुत ज़्यादा आम है, यहाँ तक के दीनदारों के अंदर भी पाया जाता है, इल्ला माशाल्लाह। इसराफ कहते हैं बेजा खर्च करने को, ज़रूरत से ज़्यादा बिला वजह खर्च करने को इसराफ कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इसको हराम फरमाया और नाजायज़ फरमाया, तो बस तो इससे तो फिर बचना फ़र्ज़ है। बस अब मैं इसकी तशरीह इस तरह से करूँगा कि कहाँ कहाँ इसराफ हमारे अंदर होता है। अब मैं छोटी छोटी मिसाल लूँगा और कुछ मशहूर मिसालें दूंगा जहाँ इसराफ पाया जाता है।
यहाँ से शुरू करते हैं, टिश्यू पेपर से शुरू करते हैं, क्योंकि ये आजकल हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का इस्तेमाल हो गया है इसका। रोज़मर्रा हर टेबल पर टिश्यू पेपर रखा हुआ आपको नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा, हर जगह आपको इसका इस्तेमाल मालूम होगा। लेकिन इसके अंदर भी इसराफ ही इसराफ पाया जाता है। इसराफ कहते हैं बिला ज़रूरत या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने को। अब इस तारीफ़ की रोशनी में आप देखें, कभी ज़रूरत पड़ती है आधे रुमाल की, कभी किसी को रुमाल आधा करते हुए देखा आपने, कभी ज़रूरत पड़ती है सिंगल रुमाल की, कभी दो रुमाल में से एक रुमाल अलग करके एक एहतियात से रखने कहीं आपको नज़र आया, ऐसा कोई खाना नहीं है। अगर आधे की ज़रूरत है तब भी पूरा रुमाल, सिंगल रुमाल की भी इस्तेमाल की ज़रूरत है तो डबल रुमाल इस्तेमाल होता है, और फिर एक रुमाल नहीं दो तीन चार तो मामूल है, बस जो निकाला और जनाब ज़रा सी चाय गिर गई उसके लिए आधा रुमाल काफ़ी होता है साफ करने के लिए, दो तीन चार रुमाल वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ज़रा सा पानी गिर जाएगा तो भाई पहले ज़माने में पानी खुशक करने के लिए तौलिया इस्तेमाल होता था, कितना बेहतरीन ज़रिया था, उसमें कोई इसराफ ही नहीं था, बस तौलिया उसके ऊपर रखा पानी जज्ब हो गया। अब तौलिया होते हुए भी टिशू पेपर ही इस्तेमाल करते हैं, अब टिशू पेपर तो बेचारा एक नाजुक सा कागज़ है, वो बड़े और ज़्यादा मिकदार में पानी के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वही इसराफ है। करना क्या चाहिए भाई, तौलिया है तो सही, और नहीं तो तौलिया मंगवाना क्या मुश्किल है, और नहीं तो इंतज़ाम रखना चाहिए तौलिए का, और उस तौलिए से आप पानी खुश करें। टिशू पेपर यहाँ इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, टिशू पेपर तो हाथ इस्तेमाल साफ़ करने के लिए होता है, नाक मुँह साफ़ करने के लिए होता है, मगर वहाँ भी एहतियात से जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करो, जितनी ज़रूरत ना हो उसको संभाल के या तो जेब में रखो या उसी डब्बे में रखो। अब ऐसा कौन करता है, घरों के अंदर देख लो, ऑफिसों में देख लो, दफातर में देख लो, और सबसे बढ़कर तो अस्पतालों में जाके देख लो। मैंने तो अपनी आँखों से देखा है, वहाँ के रुमाल मोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, फुट बाय फुट के भी मैंने देखे हैं। तो ज़रा सी क्रीम लगाई और दो चार मोटे मोटे रुमाल साफ किया, ठंडी की टोकरी, ज़रा सी कोई गंदगी या ज़रा सा खून निकला, ज़रा सी पीप निकला, और जनाब दो दो तीन तीन इंतहाई बेदर्दी के साथ, ये कहना चाहिए इंतहाई बेरहमी के साथ, कीमती मोटे मोटे बड़े बड़े रुमाल टिशू पेपर के वो इस्तेमाल कर करके तो कंडी की टोकरी में, वो कंडी की टोकरी नहीं, जो टोकरे होते हैं वो डस्टबिन बड़े बड़े होते हैं, वो टिशू पेपर से भरे हुए होते हैं। अगर आप उनको निकाल करके फैला करके देखेंगे ना तो इस्तेमाल में होगा एक बटा दस, और नौ हिस्से उसके बिला वजह ज़ाय किए गए हैं। ये है इसराफ, ये है इसराफ, और ये है हराम, ये है गुनाह कबीरा, ये है नाजायज़। इससे आती है घरानी, महंगाई इससे बढ़ती है, जितना इसराफ होगा उतनी महंगाई आएगी। अब एक ही मिसाल में देख लो कितनी ज्यादती हमारी तरफ से हो रही है, और दीनदार लोग भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी कर रहे हैं, ज़रा ज़रा सी चीज़ के लिए, ज़रा ज़रा सी चीज़ के वास्ते बिला वजह कई कई रुमाल इस्तेमाल कर हो जाते हैं इसके अंदर। ये गलत तरीका है, सही तरीका यही है कि भाई जितनी ज़रूरत हो उतना ही टिशू पेपर इस्तेमाल कर लो, बस खत्म। इस्तंजा के अंदर भी इसी यही बात है, छोटा हो या बड़ा, हाथ साफ करने हैं तो हाथ साफ करने में भी हुक्म ये है, पहले खाना खाने के बाद उंगलियाँ चाटो, हुजूर की सुन्नत है उंगली चाटना, उंगलियां चाटना हुजूर की सुन्नत है, पहले उंगलियां चाटो, और चाटने के बाद जब चिकनाई वगैरह खाने की बारीक बारीक ज़र्रात पेट में चले जाएं, इसके बाद अब अगर करीब में बेसन हो तो फिर तो धोने का एहतमाम करना चाहिए, टिशू की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हाथ धोना कुल्ली करना भी सुन्नत है। ये तरीका मौजूद है,
जब मौजूद है तो बस इस तरीके पर अमल करना चाहिए। और बाद मरतब ऐसा होता है कि कहीं दावत में वहाँ दूर दूर पानी हाथ धोने का इंतज़ाम नहीं है, तो ऐसी मजबूरी में फिर टिशू पेपर ले लो और उससे अपने हाथ मुंह साफ कर लो, बाद में जाकर अपने घर में हाथ धो लेना, कुल्ली कर लेना, तो यहाँ तो सही है। लेकिन आप ऐसा नहीं देखेंगे, आप जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि हाथ भरे हुए हैं, मुंह में बाहर भी तमाम चिकनाई लगी हुई है, उसको साफ करने का कोई एहतमाम नहीं, बस एकदम टिशू पेपर खींचा और जनाब फिर उसको चले गया, फिर दोबारा खींचा और दो दिन फिर यानी इतनी सी देर में उनने 10 रुमाल इस्तेमाल कर लिए। जरूरत थी एक या दो रुमाल की, उसने आनन फानन 10 टिशू पेपर के रुमाल इस्तेमाल कर लिए हाथ मुंह साफ करने के लिए। ऐसे नाक साफ करने के लिए कभी एक रुमाल की या दो रुमाल की जरूरत पड़ती है, कभी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। मामूली से पानी आया उसे थोड़े से रुमाल में आधे रुमाल से साफ हो जाएगा, वहाँ भी दो दो तीन तीन रुमाल इस्तेमाल। तो भाई ये एक मिसाल दे रहा हूँ जो आज हमारे माशरे में इसराफ का इंतहाई दर्जा इख्तियार किए हुए है और दीनदार लोग इसमें मुबतला हैं, और जो दीनदार नहीं वो तो हैं ही इसमें मुबतला। इससे बचें, आज ही से अपने घर जा कर के देखेंगे टिशू पेपर का इस्तेमाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसको कंट्रोल करें। एक तो ये मिसाल हो गई, दूसरी मिसाल खाने की। ये इसराफ हमारे घर से लेकर दावत तक और घर से लेकर होटलों तक इसराफ ही इसराफ खाने पीने के अंदर हो रहा है। इस आयत में अल्लाह पाक ने इसी में इसराफ करने से मना फरमाया, कुलु वशरबु, खाओ और पियो, यानी हलाल खाओ हलाल पियो, लेकिन इसराफ से बचो, इसराफ मत करो। अल्लाह ताला इसराफ करने वाले को पसंद नहीं फरमाते। पसंद न फरमाने का मतलब ये कि नाजायज है, गुनाह है। अब ये इसराफ अगर सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं पानी पिएं, इसराफ नहीं हो सकता। अगर हमारा खाना पीना सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो इसराफ की वहां कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि आपने तरीका ही ऐसा बतलाया जिसमें इसराफ का नामो निशान नहीं है। मगर हम तो सुन्नत के मुताबिक खाना जानते ही नहीं, पानी पीना जानते ही नहीं। उसका नतीजा ये है कि घर से लेकर के तकरीबात तक और घर से लेकर के होटलों तक इसराफ ही इसराफ है। अब मैं मुख्तसरन वो खाने का तरीका बताता हूँ। खाने का तरीका, पहले हाथ धो फिर कुल्ली कर लो, अगर मिसवाक भी करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खाने से पहले भी मिसवाक करना सुन्नत है, लेकिन कम से कम कुल्ली कर लो, हाथ धो लो। इसके बाद जब खाना खाने बैठो तो अपनी प्लेट में इतना खाना डालो जितना आप खाकर पूरी प्लेट साफ कर लो। इस तरह खाना खाओ कि प्लेट में कुछ भी ना बचे। सालन है तो सालन खत्म हो जाए, चावल है तो चावल खत्म हो जाए, दाल रोटी है तो रोटी और दाल पूरी हो जाए। ये तरीका है खाने का। और इतना डालो कि प्लेट में कुछ बचे नहीं, और अगर बच जाए तो पहले तो ये बेहतर ये है कि आप उसको रोटी से साफ कर लें, चावल है तो उंगलियों से साफ कर लें, और उंगलियों से प्लेट को अच्छी तरीके से साफ कर लें, उंगलियों को भी चाट लें। और उंगली चाटने में भी तरीका है जो उलमा ने बयान फरमाया है कि पहले दरमियान की उंगली चाटे, फिर शहादत की उंगली चाटे, फिर अंगूठा चाटे। ये जब जब तीन उंगलियों से खाए, तीन उंगलियों से तो ड्राई फ्रूट खाया जा सकता है, फल खाया जा सकता है, खुश्क चीज़ें खाई जा सकती हैं इससे। बाकी सालन रोटी में तो पाँचों उंगलियाँ इस्तेमाल होती हैं, चावल के अंदर तो पाँचों का इस्तेमाल नागुजीर ही है। इस्तेमाल हो जाए तो बस फिर पहले शहादत की उंगली, फिर पहले दरमियान की उंगली, फिर शहादत की, फिर अंगूठा, इसके बाद फिर शहादत दरमियानी उंगली के बराबर वाली उंगली, फिर छोटी उंगली, इस तरह। लेकिन अगर कोई इस तरतीब से न भी चाटे तो कोई हरज नहीं, मगर चाटना सुन्नत है। ये हम याद रखें और अमल में लाएं कि जब खाने से फारिग हो जाए प्लेट भी हमारी साफ होनी चाहिए, और हाथ में जो खाने के अज्जा लग गए हैं वो भी हमें साफ करने चाहिए। क्यों? एक तो ये खाने की सुन्नतें हुजूर से साबित हैं,
दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज के बारे में ये सुन्नत है, हुजूर की हर चीज के बारे में ये सुन्नत है कि आप थोड़ी सी थोड़ी चीज की बेहद कदर फरमाते थे। छोटा सा कपड़ा बच गया तो उसको एहतियात से रखते, खाना बच गया तो उसको एहतियात से रखते या इस्तेमाल करते, थोड़ा सा पानी भी बच गया तो उसकी भी कदर फरमाते। तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बेहद कदर फरमाते थे, ये आपकी सुन्नत है। अब ये हर जगह अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो सकती। ये जो बेतहाशा हमारे यहाँ इसराफ हो रहा है, इसका खात्मा हो जाए इंशाअल्लाह ताला इसी एक सुन्नत पर अमल करने की बरकत से। उसी की वजह से आप देखिए खाने के अंदर भी ये सुन्नत है कि प्लेट भी साफ करो, उसमें खाना ना बचाओ। और इसी तरीके से अगर बाद में खाना ज़रूरत से ज़्यादा डल गया, गलती से डल गया, तो गलती से अगर डल जाए तो फिर उसको एक तरफ कर दो, अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दो, ताकि जो खाना बच गया है वो अगर कोई दूसरा खाना चाहे तो उसे घिन ना आए और उसको बुरा ना लगे। तो देखो तरीका तो ये है, यानी दस्तरखान पर गिर गया तो वो भी उठा लो, प्लेट को भी साफ कर लो, उंगलियों को भी चाट कर साफ कर लो, ये सुन्नत है। अब इस तरह बताओ कोई फालतू खाना बचेगा? फिर बच ही नहीं सकता। और अगर बच भी गया है तो उसको एक तरफ कर दो, चावल है वो भी एक तरफ कर दो, सालन है उसे भी एक तरफ कर दो, और एक इस तरह बचा दो कि दूसरा खाना चाहे तो उसे बुरा ना लगे और ये घिन ना आए। लेकिन अब हमारे क्या है, घर के अंदर भी ज़रूरत से ज़्यादा प्लेट में डालना और बचाना, ख़ास तौर से रोगन बचाने का हमारे यहाँ बेइंतहा रवाज है, और वो सीधा नाली के अंदर जाता है। तो अव्वल तो रोगन इतना डालने की ज़रूरत ही क्या है भाई, ये भी हमारे यहाँ की का एक अलमिया है और हमारे यहाँ की ये एक मुसीबत है कि हमारे यहाँ की जो मशरकी औरतें ये जब तक के इतना इतना घी खड़ा ना कर दें ना सालन के अंदर, उनका सालन पकता नहीं है। कितने समझा लो मगर वो इतना घी तैरना करती है। यूरोप में कहीं आपको ऐसी चिकनाई नज़र नहीं आई। तुर्की जाना हुआ, वहाँ पर हफ्ता दस दिन रहना हो, चिकनाइयों का नामो निशान ही नहीं देखा, खुश्क गजाएं बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल फिर पैदा ही नहीं हो सकता। वहाँ तो बुढ़े भी जवानों से ज़्यादा तेज भागते हुए नजर आए, यहाँ जवानों से भागा नहीं जा रहा कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से। तो इतने इतने घी हमारे घरों में डालने का रवाज है। अब खुदा इनको हिदायत दे औरतों को और समझ दे, किसी की से मान लें, इनको कितने समझा लो। हकीकत भी यही है कि रोगन जो है वो खाने की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ सालन में जायका बढ़ाने के लिए होता है, बस इससे सालन में जायका आ जाता है। तो जायके के लिए थोड़ा सा डालना बस काफ़ी है। तो ये इतना इतना डाल देती हैं औरतें, और मर्दों की भी वहाँ पर सुनाई कम है, लिहाजा वो जब खाना खाना है तो उसमें लाजमी प्लेट में रोगन आ जाता है। तो भाई वो रोगन आ तो गया, फेंकने के लिए नहीं है वो, इससे बचें, ये इसराफ है। फिर क्या करें भैया, एक प्याली अपने साथ रखो, प्याली खाली अपने साथ रखो, जितना भी घी बच गया है, तेल बच गया है, वो प्याली में जमा कर लो, चाहे शुरू में जमा कर लो और चाहे आखिर में जमा कर लो। आखिर में भी तो आप डर डर के खाएंगे ना खाना, कि भाई कोई रोगन ना आ जाए मेरे इस्तेमाल में, मन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लिहाजा वो आप प्लेट टेढ़ी करेंगे, कुछ तिरछी करेंगे, तो रोगन एक तरफ करते हैं, आखिर में उसको प्याली में जमा कर लो। जब सब जमा कर लेंगे वो अगली हंडिया के लिए काफ़ी हो जाएगा। लो भाई कितना बेहतरीन मसरफ निकल आया उसका, अगली हंडिया में फिर ये तेल इस्तेमाल कर लो। लेकिन नाली में फेंकने का किसने कहा है? ये इसराफ है, ये ना हराम है और ना जायज़ है। अब यही हाल हमारे घरों में है, यही हाल बड़ी बड़ी होटलों में, बहुत ज़्यादा खाना पक जाता है तो सारा का सारा गटर के अंदर फेंका जाता है। हालांकि जितना होटलों के अंदर खाना बचता है या तकरीबात के अंदर, लोगों के खाने का आता ही नहीं तरीका, बस वो बूफा सिस्टम जब से चला है, जब से ये इसराफ और ज़्यादा बढ़ गया है। इससे पहले भी इसराफ होता था लेकिन अब और ज़्यादा होता है कि हर आदमी अपनी प्लेट में ज़रूरत से ज़्यादा डाल लेता है, और डालने के बाद फिर खाया तो जाता नहीं। न तो ये कि प्लेटें भी भरी हुई छोड़ी जाती हैं,
दस्तरखान पर भी बोटियां और खाने की चीजें पड़ी होती हैं, वो इतना बच जाता है, इतना बच जाता है कि जितने हमारे कराची के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ जो गरीब गुराबा रहते हैं, अगर ये खाना बचा हुआ उनको पहुँचाया जाए तो उनका पेट भर जाए। यूँ समझ लो कि एक आदमी अपने खाने के लिए जितना खाना निकालता है वो पांच आदमियों के बराबर निकालता है, और एक आदमी का भी खाना उसे पूरा नहीं खाया जाता, बाकी सारा जाया किया जाता है। ये इसराफ। तो होटलों के अंदर भी जो खाना बच जाता है उसके अंदर इसराफ होता है, और जो तकरीबात के अंदर होता है वो तो आपके अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किस तरह इसराफ भेजा होता है और नाजायज होता है। ये इसराफ हो रहा है, ये खाने के अंदर इसराफ, पानी के अंदर भी ऐसे इसराफ है। जितने मशरूबात हैं बचाने की आदत है आमतौर पर, कोल्ड ड्रिंक हो, चाय हो, कॉफी हो, जूस हो, आधा गिलास बचाने का रवाज है। खासतौर से जब किसी के यहाँ मेहमान आदमी होता है तो पता नहीं किसी ने कह दिया है कि आधा गिलास बचाओ, अपनी तरफ से बस अपनी सोच से अमल हो रहा है, और ये वो सब सब ज़ाया होता है। पानी भी ज़ाया होता है और जूस भी ज़ाया होता है, चाय भी ज़ाया होती है, कॉफ़ी भी ज़ाया होती है। ये इसराफ है, चाहे होटल में हो, चाहे तकरीब में हो, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, लेकिन हो रहा है। भैया यहाँ पर भी ये कि आप आधा गिलास ले लो, पाव गिलास ले लो, जितना पीना उतना ले लो, लेकिन उतना नहीं लेंगे, लेंगे भरकर बचाएंगे आधा, पौन बचा देंगे, फिर वो पड़ा रहेगा ऐसे फेंक दीजिए। तकरीबात में कितनी कोल्ड ड्रिंक ज़ाया होती है, ये है इसराफ। और एक और ज़हन में मिसाल में आ गई कि पहले जब हमारे यहाँ सुई गैस की फरावानी थी तो आपने देखा होगा कि होटलों के अंदर भी और अस्पतालों के अंदर भी और आम रफाही जगहों में जहाँ पे इस्तेमाल सब लोग करते हैं वहाँ बराबर सुई गैस का चूल्हा जलता रहता था। 24 घंटे बस जो सुई गैस जल रही है, अब जिसको कुछ गर्म करना है वो आया गर्म करके ले गया, बाकी सुई गैस वैसे चूल्हा वैसे ही चल रहा है। देखा था नहीं देते, मैंने तो देखा अपनी आंखों से। यही शराफ, उसी से हमारे मुल्क में गैस खत्म हो गई, अब बाहर से महंगी गैस खरीदनी पड़ रही है। ये है महंगाई, ये सब इसराफ की वजह से हो रहा है। तो इसराफ हमारे अंदर बेतहाशा पाया जाता है, बेअंदाजा है हमारे यहाँ इसराफ है। कपड़ों के अंदर भी इसराफ है, बर्तनों के अंदर भी इसराफ है, खाने की चीज़ों में भी इसराफ है, पीने की चीज़ों में भी इसराफ है, किस चीज़ में इसराफ नहीं है। यहाँ तक कि वजू और गसल के अंदर भी इसराफ है, वजू और गसल के अंदर भी इसराफ है। इसलिए कि वजू के अंदर हुजूर एक मुद से वजू फरमाया करते थे, एक मुद होता है तकरीबन एक सैर का, एक सैर पानी वजू करने के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन मैंने मिसाल दी थी इससे पहले कि आज हमारे वजू खाने के अंदर नलकों पर जहाँ वजू होता है, बेसन पर जहाँ वजू होता है, आदमी एक सैर पानी तो अपने वजू में इस्तेमाल करता है और 9 लोटे या 9 सैर पानी वैसे ही ज़ाया करता है, क्योंकि नलका खोले खड़े हो जाते हैं और खोल कर उससे वजू कर रहे होते हैं, चाहे घर हो और चाहे मस्जिद हो। गुसल के अंदर हुजूर एक सा से गुसल फरमाया, एक सा होता है 3.5 सेर का, 3.5 लीटर समझ लो, 3.5 लीटर पानी से हुजूर गुसल फरमाया करते थे अक्सर। अब इसमें आदमी का गुसल आराम से हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो शावर के अंदर गुसल करने का रवाज है और शावर खोल के खड़े हो जाते हैं, उसके अंदर 10 गुना पानी जाया होता है। तो इस जाया करने का नाम इसराफ है, इसका नाम है फजूल खर्ची, और ये दोनों गुनाह और हराम और नाजायज है। तब बताइए किस चीज में इसराफ नहीं हो रहा। जब इसराफ होगा तो महंगाई पैदा होगी। अभी तो रोज रोज महंगाई बढ़ रही है, इसमें एक वजह ये हमारा इसराफ का गुनाह है जो हमारे अंदर बकसरत पाया जाता है। अब आपने समझ लिया होगा, लिहाजा आज सब इस गुनाह से तौबा करके उठे और आज इसे अपने घरों का जायजा भी लें कि खाने की, पीने की, पहनने की और इस्तेमाल की किन किन चीज़ों के अंदर इसराफ हो रहा है। आज से इसराफ ना हो, उससे बचने का तरीका जो है वो अगर मैंने बता दिया, अगर फिर भी समझ में ना आया तो मेरे से पूछ लेना, तरीका मैं बता दूंगा कि भाई इस तरह से बचो, इसको इस तरह से कर लो, इसराफ से बच जाएंगे आप इंशाअल्लाह ताला। तो ये हम बचेंगे तो हमें इंशाअल्लाह ताला आफियत नसीब होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी, सब मुसलमानों को इसराफ के गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना, आइंदा जुमे मेरा सफ़र मुतवक्का है इंशाअल्लाह ताला।